मैं डॉक्टर हेम कुमार गौतम। आज का जो कार्यक्रम है हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रज प्रांत के तत्वावधान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राहक पंचायत के विषय में चर्चा और पर्यावरण एवं हम विषय पर एक चर्चा रखी गई कि हम किस प्रकार से पर्यावरण को हम दूषित होने से बचा सकते हैं, हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, पर्यावरण को दूषित कराने में हमारी पॉपुलेशन का बढ़ना, हमारे जंगलों का कटना और उनका संरक्षण नहीं करना, इसके कारण से पर्यावरण बहुत दूषित होता जा रहा है और इस कारण आगे भी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं और वो मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं। इसी क्रम में हमारा प्रथम सेशन, उसमें हमारे सह प्रांत प्रचारक भाई करमवीर सिंह जी द्वारा उद्घाटन किया गया और उन्होंने पर्यावरण के विषय में संक्षिप्त रूपरेखा बताते हुए कि हम छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम अपने घरों में आरओ का प्रयोग करते हैं, अगर हम आरओ के पानी का जो वेस्ट पानी जाता है उस पानी को हम संरक्षित करें, उसको हम पौधों में लगाएं, उसको हम पेड़ों में लगाएं, उसे हम अपने बर्तन धोने के कामों में या कपड़े धोने के कामों में उपयोग करें, तो हमारा वो बहुत जल जो है वो संरक्षित होगा और हम जल जीवन, जिसका नाम है कि जल ही जीवन है, उसको भी हम बचा सकते हैं। ग्राहक पंचायत का जो कार्य है वो है हमारे समाज में, हम सभी ग्राहक हैं, हम मार्केट में अपना चीज़ें खरीदते हैं। उपभोक्ता और ग्राहक दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। एक व्यक्ति उपभोक्ता को ग्राहक समझता था, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। उपभोक्ता होता है कि सामान पैसा है जेब में, मार्केट गया और हम उसको लाए, सामान को हमने देखा, थोड़े दिन, दो दिन, चार दिन, छः दिन पसंद किया और उसके बाद में हमने उसको डाल दिया। ये होता है उपभोक्ता, वो उसकी आवश्यकता को महसूस नहीं करता है। लेकिन ग्राहक, ग्राहक वो होता है जो सोच समझ कर किसी भी चीज़ को अगर मार्केट से लेता है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके घर में क्या उपयोगिता है, उसका मूल्य क्या है, वो मूल्य में मोल भाव भी करता है और उसको जांच परखने के बाद ही उस पर जो है अपने आगे की कार्रवाई करता है और वो सही माने में उसका आजीवन उपयोग करता है और ग्रहण करता है उसे। यही ग्राहक का सबसे बड़ा मूल्य है। एवं साथियों, पर्यावरण और हम आज का बहुत ज्वलंत विषय है, हर एक से संबंधित है। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट सर। और पर्यावरण का अगर आप संदर्भ देखें, पर्या का मतलब होता है चारों, और वरण का मतलब हमारे चारों जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं, क्या आते हैं। तो अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में अपने चारों ओर की सराउंडिंग, व्हाट एवर द फिजिकल, हमारे चारों ओर क्या है, क्या प्रेजेंट है, जो फिजिकल सराउंडिंग है वो क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जिसमें वायु भी में जो यूएनओ ने अपना स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से सबसे ज्यादा और बाहरी चीज है वातावरण। वातावरण के अंदर सोसाइटी आएगी और सोसाइटी और वातावरण से मिलकर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक व्यवस्था उसी के ऊपर आधारित होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये डेवलपमेंट किस तरह का है। अगर हम किस तरह की बात करें तो आपके एनवायरमेंट और सोसाइटी के बीच में अगर बैलेंस है तो इस बैलेंस में हम कहते हैं कि वेरिएबल, वेरिएबल मींस हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं, इस तरह का डेवलपमेंट चल सकता है। लेकिन अगर एनवायरमेंट और इकोनॉमिक के बीच में एक बैलेंस बना हो तो उसे हम वायबल कहेंगे। वायबल मींस ये माना जा सकता है, चलाया जा सकता है और इसमें लोग रह सकते हैं। और अगर इकोनॉमिक और आपके सोसाइटी के बीच में हो तब ये इक्विटेबल है। मींस इक्विटेबल मींस अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी के लोग प्रसन्न हैं तो उस तरह के डेवलपमेंट को हम इक्विटेबल कहते हैं। लेकिन अगर तीनों के बीच में बैलेंस हो, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, तीनों के बीच में बैलेंस हो और वो बैलेंस अपने रिसोर्सेस को आगे की पीढ़ी के लिए छोड़ जाए, तब हम उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट जब होता है तो पॉल्यूशन भी होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। नेक्स्ट। सो पॉल्यूशन है क्या?
बहुत से लोग इसमें बड़ा भ्रम है, लेकिन पॉल्यूशन जो है वो किसी भी तरह का अनडिजायरेबल चेंज है। जो नेचुरल बैलेंस है उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव जो रिक्वायर्ड नहीं है वो पॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन वो बदलाव चाहे बढ़ोतरी की ओर हो या वो कम हो जाए, और किसी भी कंपोनेंट के कम होने से, चाहे वो फिजिकल कंपोनेंट हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, मींस एक तरह की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाए, अगर आदमियों की पॉपुलेशन बढ़ रही और इन्वायरमेंट जो है वो हमारा कम हो रहा है, बाकी की पॉपुलेशन खत्म हो रही है, तो इकोलॉजिकल निच डिस्टर्ब हो जाता है, उसको भी हम पॉल्यूशन ही कहेंगे। आगे चल के देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ने से कैसे हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है नाउ। लेकिन ये इफेक्ट कैसे हो एक बैलेंस से अलग, अगर आप प्रकृति की बात करें और प्रकृति में अगर किसी चीज का बढ़ाव या किसी चीज का डेवलपमेंट होता है तो नेचुरल होता है, उसको बैलेंस के इरादे में होता है, उसमें कोई भी फैक्टर न कम होता है न ज्यादा होता है, आपस में एक सानिध्य बना के और वो डेवलपमेंट होगा, उसको हम कहते हैं नेचुरल बैलेंस। और नेचुरल बैलेंस से अगर इन तीनों फैक्टर में किसी भी तरह की कमी या ज्यादा हो जाए जो लाइफ और प्रॉपर्टी को इफेक्ट करें, जैसे माना जाता है कि ओजोन लेयर हमारी जो है उसमें छिद्र हो गया, तो अगर ओजोन लेयर में छिद्र हो गया इसका मतलब कमी हो गई, तो ये प्रदूषण, क्योंकि यूवी रेज आएंगी और हमारे लाइफ को इफेक्ट करेंगी। लेकिन वहीं पर ओजोन लेयर अगर इन्वायरमेंट में बढ़ जाए, ओजोन लेयर जो यूवी रेज को रोकती है वो टोपोस्फेयर में, मींस जमीन से कम 40 किलोमीटर ऊपर, लेकिन अगर जमीन पर ओजोन लेयर बढ़ जाए तो क्या होगा, तो नुकसान करेगी। तो ओजोन लेयर का बढ़ना एक जगह नुकसानदायक है और एक जगह ओजोन लेयर का कम होना नुकसानदायक है। इसी तरह जमीन पर अगर किसी एक प्राणी की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाए तो वो नुकसान करेगी। तो इस तरह से बैलेंस जो है वो घट जाता है, और इस बैलेंस को घटने में सारी चीजें प्रदूषित हो रही हैं, चाहे वो वायु हो, चाहे वो पानी हो, चाहे लैंड हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे नॉइज हो। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, एक है पॉपुलेशन और दूसरा है मेंटल पॉल्यूशन, दिमागी पॉल्यूशन, प्रदूषण। और आज के युग में दिमागी प्रदूषण सबसे ज्यादा है और पॉपुलेशन, ये दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में। दिमागी प्रदूषण और पॉपुलेशन, ये दोनों आपस में इतने इंटरलिंक हैं कि जनसंख्या बढ़ने से और दिमागी प्रदूषण होने से सारी अर्थव्यवस्था, सारी चीजें गड़बड़ा गई हैं और वो एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। वो सबसे गहरा प्रदूषण है जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अब प्रदूषण का कारण क्या है, रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉपुलेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से प्रदूषण है। दूसरा इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, हर शहर हर साल कम से कम 1 किलोमीटर अपनी परिधि में बढ़ जाता है, और वो सारी की सारी एग्रीकल्चरल लैंड, खेती की जमीन कम होती चली जा रही है, आदमी की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह से हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, मीन्स पेड़ काटने पड़ते हैं, जंगल काटने पड़ते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे हर शहर की सबसे बड़ी समस्या है कि हर शहर में बंदर बहुत आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि रहने के लिए उनका जो स्थान था, जो जंगल थे, वो है ही नहीं, और जंगल अगर कुछ है भी तो उस जंगल में उनके खाने के लिए फलदार वृक्ष नहीं, पांचों सीजन में वृक्ष, उनके फलदार वृक्ष ही नहीं, जो आपके गर्मी व बसंत, बरसात और जाड़ा, इन सब के अगर अलग अलग तरह के फल हों तो बंदर और बाकी चीजें बाहर नहीं आएंगी। अभी आप देख रहे हो बहेड़ी में या कहीं जो है वो पीलीभीत में बाघ आ गया जी। अब बाघ क्यों जंगल छोड़ के यहां आ रहे हैं रिहायशी जगह पर, क्योंकि जंगल ही नहीं उनके रहने के। अगला देखिए कि टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या है। टेक्नोलॉजी ने पहले, आप एक छोटा सा उदाहरण डिफॉरेस्टेशन पे ले रहा हूं, जहां पर पहले 4 मजदूर मिलके एक आरा से एक पेड़ दिन भर में काटते थे, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड आरा मशीन है, थोड़े से हसा आते हैं जिनको कहते हैं सा मशीन, छोटी सी, उसमें 1 घंटे के अंदर 1 पेड़ कट जाता है। यानी कि जहां दिन भर में हम 1 पेड़ काटते थे, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि दिन भर में 10-15 पेड़ काट सकते हैं। मींस डिफॉरेस्टेशन का रेट बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी कहीं अच्छी है कहीं बुरी है, अगर वो आपके एनवायरमेंटल बैलेंस को इफेक्ट कर रही है
तो सबसे खराब है। नाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ कंफर्ट्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, इसमें सीएफसी यूज होती थी। सीएफसी जो गैस यूज होती है ठंडा करने के लिए, ये आपके ओजोन लेयर को डिटरजेंट कर देती है। ओजोन लेयर में छिद्र हो जा गया और उसकी वजह से यूवी रेज आने लगी। अगर यूवी रेज पृथ्वी पर आने लगे तो हम सब में म्यूटेशन हो जाएगा और सारी लाइफ खत्म हो जाएगी, सब कुछ यही का धरा का धरा रह जाएगा। सो जो हमारी कंफर्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई महिला साहब ब्यूटी प्रोडक्ट ना यूज करे ऐसा होते ही नहीं, घर से बाहर ना निकले ऐसा होता ही नहीं है, और घर पे जाने के बाद वो वॉश बेसिन में उसको धो लेती है, धोने के बाद वो ड्रेन से होता हुआ नदियों में चला जाता है, वो नदियों के पूरे एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है। अगर बरेली शहर की पॉपुलेशन जो है 15 लाख मान लीजिए और इसमें से 7 लाख महिलाएं भी हैं और वो ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वहां हो रहा होगा। अब जेंट्स भी बहुत यूज करते हैं लेकिन अमाउंट ऑफ महिलाओं का यूज करने का ज्यादा है कुछ, जैसे जेंट्स लिपस्टिक नहीं लगाएगा, काजल नहीं लगाएगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, कई बार हम जो है लिपस्टिक और पाउडर को बूट पॉलिश से भी यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं। बूट पॉलिश में भी पॉलिश लगा के चिपकाया जाता है, वहां भी लेटेक्स यूज होता है, और जो फेस फाउंडेशन लगाया जाता है उसमें भी लेटेक्स यूज होता है। लेटेक्स जो दोनों जगह यूज होता है सेम है, अलग अलग नहीं, बस वहां पर बाकी केमिकल अलग अलग है। इसी तरह टॉक्सिक वेस्ट, हैजार्डियस केमिकल्स, स्मोक, इंडस्ट्री स्मोक एंड व्हीकल्स, वेहिकुलर जो पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, वो सबसे ज्यादा इस समय। नेक्स्ट, नाउ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा यूज हुआ, और पंजाब में आज से 10 साल पहले खेती की प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी बताई गई। रीजन था कि वहां इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो यूज होते थे। आज 10 साल बाद भटिंडा से चंडीगढ़ जाने वाली एक्सप्रेस को कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भटिंडा में कोई ऐसा घर नहीं है जहां किसी व्यक्ति को कैंसर ना हो। उस ट्रेन में कैंसर का पेशेंट और उनके तामीरदार ही ट्रेवल करते हैं भटिंडा से चंडीगढ़ के बीच में, और उस भटिंडा एक्सप्रेस का नाम या चंडीगढ़ एक्सप्रेस का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस हो गया। इतने हार्मफुल इफेक्ट हैं आपके पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के, ये बायोलॉजिकल मैग्निफाई करते हैं। नाउ इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब होता क्यों? बिकॉज थॉट ऑफ मैन हैज बीन पॉल्यूटेड, क्योंकि दिमाग जो है इंसान का पूरी तरीके से पॉल्यूट हो गया है। इसलिए मोदी जी ने जितने भी प्रोग्राम चलाए हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को दूर करने के, नदियों के स्वच्छ करने के, कहीं एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा और जो दिमागी पॉल्यूशन को दुरुस्त करे, उसको हटाए, क्योंकि बिना दिमागी पॉल्यूशन को अलग किए बाकी पॉल्यूशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहां पर अगर आप देखें कि आखिर पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या है, क्यों पहले पॉपुलेशन से कोई इफेक्ट नहीं होता था और हमारा एनवायरमेंट फ्री रहता था, आज क्या रीजन है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और यह इफेक्ट बढ़ता जा रहा है? अगर आप सर 1901 से 1911 तक के बीच में देखें तो जो हमारा बर्थ रेट था और डेथ रेट के बीच में पर थाउजेंड्स डिफरेंस बहुत नहीं है। 49 लोग पर थाउजेंड अगर पैदा होते थे तो 44 लोग पर थाउजेंड जो है उनकी डेथ हो जाती थी। अल्टीमेटली जो ग्रोथ होती थी पॉपुलेशन की बहुत स्लो थी, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस बढ़ती गई और ज्यादा बढ़ता गया, 2018 में, हालांकि 1997-98 बहुत क्रूशियल पॉइंट था जहां डेथ रेट सबसे ज्यादा कम हुई थी, लेकिन अब इस समय 20.2 लोग, 20 लोग आप कह रहे हैं पर थाउजेंड पैदा होते हैं और 6.3 लोग पर थाउजेंड की डेथ होती है। यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है, इसलिए पॉपुलेशन हर दिन बढ़ती जा रही है, पर डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आगे चल के देखेंगे कि जितनी पॉपुलेशन हमारे यहां एक साल में बढ़ती है वो ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग रहते हैं उतने लोग हमारे यहां एक साल में बढ़ जाते हैं, ये रेट ऑफ पॉपुलेशन इतना ज्यादा है हमारा।